सूबे के चिकित्सा और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने होशियार सिंह की मौत पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे पीएम को जिम्मेदार बताया है। मांझी ने कहा कि पीएम मोदी के राज में अगर उनकी ट्रेन में ऐसा हो रहा है तो शर्मनाक है। खिलाड़ी देश की धरोहर होता है, उसकी सुरक्षा की और रक्षा की जिम्मेदारी ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की होती है। देश के धरोहर को अगर मोदी साहब की जीआरपी ट्रेन से फेंकती है तो हम इसके बारे में सिवाय इसके देश के धरोहर को इस तरह से बर्बाद न कर, ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर वतन है और ऐसे लोगों को सुरक्षा करना हमारा आपका और देश का धर्म है, जिम्मेदारी है। फिर भी अगर इस तरह का घटना हुआ तो ये शर्मनाक है, खेदजनक है। तो शंखलाल मांझी का बेशर्मी भरा बयान सामने आया है, जहां पीएम मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है इस घटना का। आपको बता दें कि होशियार सिंह की हत्या कर दी गई थी, ट्रेन से फेंक दिया गया था, उन्हें धक्का दे दिया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। विजय बहादुर पाठक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए फोनलाइन पर। विजय जी, यहां पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को ही दोषी ठहरा दिया गया है इस पूरे मामले पर, क्या कहेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार भी कोई काम करेगी कि सारी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ही लेंगे? पैसा ना मिले तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार, राज्य में विकास ना हो तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार, कानून व्यवस्था खराब हो तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार। एक इनकी इनकी जो अखिलेश की पुलिस है उसने एक नया तरीका इजाद कर दिया है जला करके मारने का। पहले थाने में पीट पीट कर मारती थी, उसके बाद उसने जला कर मारने का काम किया। अब ट्रेन से धक्का, 200 रुपए नहीं मिले तो ट्रेन से धक्का दे दिया, और उसमें भी कुदरकों से बचाव कर रही है। इनके अधिकारी कर रहे हैं कि साहब वो अपने से गिरा, और ये अपने से गिरा वाली जो थ्योरी है वो नई नहीं है। आपको स्मरण मैं करा दूं, प्रदेश की जनता भी जानती है कि शाहजहांपुर में जगेंद्र को जलाकर मारने की आरोपी पुलिस ने वहां भी यही थ्योरी करी तो उन्हें आत्महत्या की। बाराबंकी कोठी थाना में भी जो महिला नीतू द्विवेदी ने अपने को जली है, पुलिस ने जलाया है, वहां भी इन्होंने कहा कि साहब उसने अपने से आग लगा ली, वो पेट्रोल लेकर थाने में आई थी। और यहाँ भी ये कह रहे हैं कि साहब उनकी अपनी गलती से होशियार सिंह मर गया। तो सारी जगहों पर जो जहाँ जहाँ पुलिस आरोपी है वहाँ पर ये थ्योरी है, तो ये नहीं नहीं आगे भी कोई घटना तो खिलाड़ी की मौत हुई है, खिलाड़ी की हत्या की गई है, बेहद ही गंभीर मामला है। ऐसे मामलों पर राजनीति करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना कहाँ तक ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो मांग है वो न्याय की है, लेकिन यहाँ पर राजनीति हो रही है। प्राची जी, इनके सरकार के पास उत्तर क्या है? इसलिए इनके मंत्री कहते हैं कि मोदी जिम्मेदार है जी, इनके पास उत्तर क्या है? आखिर जगेंद्र के मामले में आज तक जो आरोपी मंत्री है उससे कोई पूछताछ नहीं हुई। बाराबंकी के प्रकरण पर, नीतू द्विवेदी के प्रकरण पर आज तक पुलिस गिरफ्तारी नहीं हुई। और दुखद इसी देखिए कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच होगी जी, और जब जांच के आदेश हुए तो साथ सीबीसीआईडी की जांच हो गए। अब सीबीसीआईडी जांच कौन करेगा? जो फील्ड में जिस दरोगा को सजा मिलती है वो सीबीसीआईडी में जाता है। सीबीसीआईडी जांच हो गई इसलिए दोनों पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो उनको बचाने की कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री के गठन का भी कोई मतलब नहीं है जी। ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यही परिस्थिति हो रही है। होशियार सिंह के मामले पर भी उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को उत्तर प्रदेश, लेकिन सवाल यही है कि राजनीति को आखिरकार क्या हो गया है कि मुद्दे भुनाने की कोशिश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।